हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है कैंपिंग की। तो हम लोग जा रहे हैं पिकनिक एंजॉय करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश में हम लोग जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू बारिश चालू ही है और हम लोग चले गए हैं पिकनिक करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए। तो देखिए, आज का वीडियो जो है कैंपिंग वाला होने वाला है। और अगर आप लोगों को इस तरह का मौसम पसंद है और ऐसे मौसम में कैंपिंग पसंद है तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। तो ये गए थे हम लोग पास में एक डैम है वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जा पाना अभी मुश्किल है इतनी ज़्यादा बारिश में। तो चलिए, आज की वीडियो को एंजॉय करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, हम लोग जो है डैम पहुंच चुके हैं और बस जो है कार को खड़ी करते हैं और अपना कैंपिंग स्टार्ट करते हैं। मैं तो बाहर भी निकल चुकी हूँ क्योंकि बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हूँ बारिश में। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, हमारा छतरी ओपन हो रहा है यहाँ से, जो कि हमको बचाएगा बारिश से। और ये देखिए, इस तरह से है ये। तो डैम का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इतनी बारिश में हम लोग डैम में आए हैं। आप लोग भी कभी डैम जाके देखिएगा, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सर जो है कैंपिंग की तैयारी कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो ये वाला जो गैस चूल्हा है हम लोगों ने ऑनलाइन लिया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से ये काम आता है। जब भी आप लोग कैंपिंग, अगर पसंद है आप लोगों को वीडियो तो इस तरह का ले लेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी अच्छा मतलब इसकी आँच भी होती है। जिस तरह से हम लोग घर में गैस में पकाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आँच होती है इसमें, बहुत जल्दी से इसमें कुकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पोहे स्नैक्स, जो कि बहुत ही मतलब हल्का फुल्का नाश्ता की तरह और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगा है। तो कंप्लीट देखिएगा किस तरह से मैंने बनाया है। और तो इस तरह से ये बनकर के रेडी हुआ है। इसे अभी जो हम लोग भाप में पकाएंगे एंड उसके बाद में इसे फ्राई करेंगे और काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है, तो बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ आसपास का व्यू जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे चटनी पीसने की तैयारी चल रही है। टमाटर मिर्ची प्याज काट के चटनी तैयार करेंगे एंड इधर जो हमारे पोहे स्नैक्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे अभी जल्दी से। तो ये है हमारा मिक्सर बिना बिजली का, जो कि बहुत ही जल्दी से और बहुत ही झटपट से चटनी बना करके रेडी हो जाती है इसमें, और आपको किसी भी तरह की बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी हम लोगों ने ऑनलाइन लिया था। तो ये स्नैक बनने के बाद में जो है इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। हमने बनाया बहुत बहुत। कैंपिंग हो गई है हमारी ख़त्म, यानी कि नाश्ता पानी चाय सब कुछ हो चुका है। और सर देखिए, वो है वहाँ पे जो है किचन वगैरह समेट रहे हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वैसे भी हम लोग जो है गीले हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।